हाय एवरीवन, वेलकम टू द 115th एडिशन ऑफ प्रीमिक्स। और आज के प्रीमिक्स में हम करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो शुरू करते हैं जल्दी से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ऑलिव रिडले टर्टल्स। सो आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी नहीं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल बाय द IUCN रेड लिस्ट। अगेन, कोई भी अगर यू नो स्पीशीज न्यूज में है तो एटलीस्ट आपको उनका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। स्पेशली अगर उनकी आप लगा लीजिए इफ दे हैव अ वेरी फ्यू नंबर या उनकी प्रोटेक्शन के लिए द गवर्नमेंट इज टेकिंग सर्टन मेजर्स, सो यू शुड नो देयर IUCN स्टेटस। देन नेस्टिंग साइट इन ओडिशा इंक्लूड्स कोस्ट अलॉन्ग गहिरमाता बीच ओनली। राइट, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इन दोनों में से सही हैं या फिर दोनों ही सही हैं। सो दी ऑप्शंस आर दीज एंड प्लीज मार्क योर आंसर। ओके, मैं आपको आंसर बता रही हूँ। तो इसका आंसर है वन ओनली। देखो, स्टेटस सही है, दे आर कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल, बट जो नेस्टिंग साइट है वो और भी है। ऑलिव रिडले टर्टल्स की नेस्टिंग साइट्स अलॉन्ग विद द गहिरमाता बीच, विच इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट, इनकी ऋषिकुल्या कोस्ट एंड द माउथ ऑफ द देवी रिवर, विच इज ऑल्सो नोन बाय द देवी रिवर नेम। तो ये दो साइट्स भी है ओडिशा में, ठीक है। अब इनकी जो मास नेस्टिंग होती है उसको अरीबाड़ा भी कहा जाता है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ फीमेल दे कम टुगेदर ऑन द सेम बीच ईच ईयर टू ले एग्स, ठीक है। सो अगर आपने कभी पिक्चर्स देखी होंगी तो यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं बीचेस पे, राइट। सो दिस इज अबाउट द ऑलिव रिडले टर्टल्स, और इनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है बिकॉज दे नेस्ट इन अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ प्लेसेस एंड दस एनी डिस्टर्बेंस टू ईच एनी ऑफ दीज प्लेसेस कुड हैव ह्यूज रेपरकशंस ऑन द इंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग इज होस्टेड बाय इट्सा एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गेटवे हाउस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ORF विच इज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ओनली। सो प्लीज मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होस्ट करते हैं। सो इट वॉज कंसीव्ड जस्ट 3 years अगो इन अर्ली 2016। रायसीना डायलॉग इज इंडियाज प्रीमियर फॉरन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब इट इज ऑर्गेनाइज ऑन द लाइन्स ऑफ शांग्रीला डायलॉग विच इज हेल्ड इन सिंगापुर एंड इज को होस्टेड। अब ये कौन को होस्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और रायसीना हिल्स वेयर इंडिया सीट ऑफ पावर रिसाइड्स, ठीक है। सो अट्रैक्ट करता है एकेडमिशियंस, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, ठीक है। सो स्पेशली इन द फील्ड ऑफ IR, जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, है ना, न्यूक्लियर इश्यूज, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रायसीना डायलॉग। देन द थर्ड क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना डील्स विद सो ऑगमेंटिंग द फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री, करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल रिलायबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज बोथ और प्रोवाइडिंग मेडिकल इंश्योरेंस टू BPL फैमिलीज, ठीक है। सो प्लीज बताइए आपका आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो ये दो चीजों पे ध्यान दे रहा है, एक तो जो मेडिकल एजुकेशन है उसकी जो फैसिलिटीज है उनको इनहेंस करना, और दूसरी चीज क्या है, टर्शरी हेल्थ केयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी और सेकेंडरी बट टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। सो टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड रिलायबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। इसीलिए इसके अंडर एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण होगा। सो द आइडिया इज इट वॉज अनाउंस्ड इन 2003, ठीक है। सो इसमें वही दो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक तो सेटिंग अप ऑफ न्यू एम्स, क्योंकि ये टर्शरी हेल्थ केयर पे ध्यान दे रहा है। 6 आर ऑलरेडी फंक्शनल, ठीक है। एम्स रायबरेली इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड 13 आर अनाउंस्ड। उसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ताकि क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन दी जाए मेडिकल स्टूडेंट्स को, टू द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो मेक श्योर दैट टर्शरी इज देयर, टर्शरी हेल्थ केयर में इम्बैलेंसेस एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। सो दीज आर द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ओके, देन द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द कंट्री। सो द ऑप्शंस आर कैबिनेट सेक्रेटरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, PMO एंड नन ऑफ दीज। सो प्लीज मार्क योर आंसर। सो इसका आंसर है नन ऑफ दीज बिकॉज नीति आयोग हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ coordinating the SDGs in India, Niti Aayog, which is a premium think tank of the country, right? So this is again very important.
कोऑर्डिनेशन जो होगा वो नीति आयोग करेगा. सो लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अमूर फाल्कन्स. सो अमूर फाल्कन्स आर द माइग्रेटरी बर्ड्स दैट स्टे एवरी ईयर एट डायोंग लेक ड्यूरिंग देयर फ्लाइट फ्रॉम मंगोलिया टू ऑस्ट्रेलिया. Naga tribesmen, Dayong Lake is in Nagaland, so they have been hunting thousands of Amur falcons for meat, right? And then Kohima in Nagaland is considered as the world's Amur falcon capital, right? So, आपको बताना है कौन सी statements correct है. So, 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3, all of the above. So, please mark your answer. So, the correct answer is 2 only. ठीक है, अब देखो अमूर फाल्कन्स दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स, दिस इज करेक्ट. दे स्टे एवरी ईयर एट दोयांग लेक, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ड्यूरिंग देयर फ्लाइट फ्रॉम मंगोलिया टू नॉट ऑस्ट्रेलिया बट साउथ अफ्रीका. अब अगर आप मैप सोचो तो ये मंगोलिया से साउथ अफ्रीका आते हैं, तो बीच में ना दे स्टे ओवर इंडिया इन द दोयांग लेक. ठीक है, ये है. उसके बाद नागा ट्राइब्स में दे हैव बीन हंटिंग फॉर देयर मीट, बट अभी प्रोटेक्शन मिली है इनको, ठीक है, अमूर फाल्कन्स को. उसके बाद कोहिमा इन नागालैंड is considered as the world's Amur falcon capital. No, Pankti village, ठीक है, Pankti village, very famous village for Amur falcons, ठीक है. So Amur falcons क्या है, longest travelling raptors in the world. They weigh hardly 150 grams. और ये हर साल दोयांग लेक नागालैंड पे रहते हैं ड्यूरिंग देयर फ्लाइट फ्रॉम मंगोलिया टू साउथ अफ्रीका. तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कहां से आते हैं, मंगोलिया से आते हैं. पंक्ति विलेज इन नागालैंड इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स अमूर फाल्कन कैपिटल. और ये भी है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेवलप दोयांग लेक एज एन इको टूरिज्म स्पॉट फॉर बर्ड वॉचर्स, ठीक है. और अंटिल रिसेंटली अमूर फाल्कन्स वर हंटेड, बट इनको अब इनको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन इज बींग ऑफर्ड, राइट. सो दीज आर योर 5 क्वेश्चन. होपफुली एक अच्छा सेशन था. एंड लास्ट में यही कहूंगी कि डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, ठीक है. आप रोज एक नया चैलेंज बनाए, लेट्स से आप रोज कहें कि मैं एक टेस्ट कर रहा हूं तो मैं 2 करूंगा. कुछ भी चैलेंजेस को बढ़ाएं, ठीक है, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करें. छोटे छोटे बैटल्स हैं रोज, वो जीतेंगे तो शायद प्री का वॉर वुड बी योर्स इन द एंड. थैंक यू.